जय उत्तराखंड वैश्व मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर नैनीताल ब्लॉक से, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आजकल काफी प्रवासी भारी संख्या में पहाड़ों में चले गए हैं। पहाड़ों में गए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अब अपने पितरों को, अपनी कुल देवियों को, अपने उन स्थानों को जहाँ वो पूजा करते थे, जिन देवताओं की पूजा किया करते थे, उनको भी अब खोजने लगे हैं और उस पुरानी रीति रिवाज सभ्यता को बचाने की मुहिम में लग गए हैं। यही खबर है कुटरा पल्ला गांव से। गांव वालों ने बद्रीनाथ मंदिर की पूजा की, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, कलश यात्रा के साथ मंदिर पहुंचे और लुप्त हो रहे दिव्य स्थानों की तरफ ध्यान देने का निवेदन किया। इसमें भारी संख्या में लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ों में अब इन जिन देवी देवताओं को हम खो चले थे, जिनको हम पहचान नहीं रहे थे, या यूँ कहें कि अपनी वैसे ज़िंदगी में पढ़े लिख कर हम लोग उन्हें खो चुके थे, फिर से उसी रीति रिवाज को आगे बनाए रखने की यह हमारी पहल। देखिए कुलदीप रावत की यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन और मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत। और आज मैं हूं खुटड़ा पल्ला में और यहां पे बद्रीनाथ मंदिर की आज पूजन था और जो है लोगों की आस्था थी का, महिलाओं ने यहां पे कलश यात्रा भी निकाली थी और साथ में जैसा होता है कि पूरी, हलवा और सब चीज़ भी ग्रामवासी मिलके बना रहे हैं। और मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं जो बताएंगे मंदिर का इतिहास क्या है, कितना ये पुराना मंदिर है। और अभी अगर आप मंदिर की हालत देखेंगे तो मंदिर की हालत बिल्कुल ख़राब है। इसको ज़रूरत है बढ़िया ढंग से बनाने की। हम लोग अपने घरों पे इतना पैसा खर्च करते हैं लेकिन आस्था के नाम पे जिस भगवान की हम दिन रात पूजा करते हैं उसकी हालत अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकार है। तो आइए पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका शुभ नाम? गिरीश ज्वेल। थोड़ा सा आगे आ जाना, गिरीश ज्वेल। हाँ तो पंडित जी, कितना पुराना मंदिर होगा ये हमें भी पता नहीं। हमारे जो पूर्वज आए होंगे यहाँ पे तो काफ़ी साल पहले, मतलब जो है सैकड़ों वर्ष पहले जो आए होंगे यहाँ पे ज्वेल परिवार, तो उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने स्थापना की ये हम जिवई से आए हैं। जिवई जो मूल रूप से जिवई है गांव। ठीक ठीक है। तो उनमें एक भाई यहाँ है और एक भाई अपोला में आए। अपोला में तो तब से ये मतलब मंदिर यहाँ पे स्थापित तो है। मतलब मंदिर तो ये बाद में बनाए, जैसे बनाए तो अभी 15-20 साल हुए। पहले ऐसे ही था, एक पेड़ तो पेड़ के सामने मैंने ऐसे ही था। तो अभी जैसे मंदिर की हालत बिल्कुल खराब है तो ग्रामवासी मिलके या सरकार प्रतिनिधियों से कोई आपका निवेदन की? हाँ ये तो मतलब अगर वो करते हैं कोई जनप्रतिनिधि जो भी है, विधायक जी है या जो भी है, मतलब हमारे जो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख जो भी, अगर ये करने थे तो बड़ी उसकी बात है। अदरवाइज हम लोग तो अपने स्तर से प्रयास कर ही रहे हैं कि जैसे सब लोग मिलके आप अपनी मांग, आप देखिए चैनल के सामने आप अपनी मांग रखना चाहते हैं सरकार से कि मंदिरों का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लुप्त होते जा रहे हैं देवी देवताओं का, वो बिल्कुल होता जा रहा है। और एक हमारी संस्कृति है ये, मतलब हमारा वो एक इतिहास है, इसी के पीछे है। मतलब बिल्कुल तो इनको थोड़ा सौंदर्यीकरण है। इतना आपने ठीक बोला कि लाखों रुपए हम अपने घर में लगा रहे हैं लेकिन इसमें क्या, थोड़ा इसमें अब ये सारा टपक रहा है, इसके अंदर मंदिर टपक रहा है, उसके अंदर एक तिजोरी देखी, उसके अंदर थोड़ा जो भेंट टूट होते हैं वो सारे पैसे सड़ गए उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा सा है कि अगर जनप्रतिनिधि भी ध्यान दे, हमारे विधायक जी हैं, सांसद हैं, थोड़ा बहुत आम जनता भी, और थोड़ा बहुत हम लोग तो तैयार हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे हरिप्रसाद जी हैं, स्वर्गीय हो गए बेचारे, 21,000 रुपए उन्होंने दिए हैं अकेले। मैंने हरिप्रसाद जुयाल रामनगर में है तो उन्होंने 21,000 रुपए दे दिए थे, तब वो जीवित थे, अब तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे ही लोग, सब लोग तैयार हैं ऐसे देने के लिए। मतलब तो अब ऐसा है कि अगर जनप्रतिनिधि भी इस मौका नहीं दिए तो अच्छा सा रूप, अच्छा सा बन जाए। देखिए बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में, केदारनाथ धाम उत्तराखंड में, चार धाम जो हम बोलते हैं, हर जगह देवी देवताओं के स्थान है। देवता लोग, हम लोग जागर प्रथा होती है, जागर लगाए जाते हैं, देवताओं का आह्वान किया जाता है। लेकिन जो हालत है मंदिरों की वो पहाड़ों में बिल्कुल निंदनीय है। बिल्कुल जो है यहाँ पे मंदिर टूटते जा रहे हैं। तो हमारा भी प्रयास, हमारा भी सरकार से निवेदन है कि इसके लिए एक अलग से बजट निकाला जाए। इसी मंदिर के लिए नहीं, और जगह भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों के लिए अलग से बजट निकाला जाए क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। तो अगर देवी स्थल ही अगर सही नहीं होंगे तो वाकई में फिर ये सोचने वाली बात है। और पर्यटन भी आएंगे, अगर मंदिर हमारे बढ़िया रहेंगे तो पर्यटन भी आएंगे यहाँ पे देखने के लिए।
तो हमारा प्रयास यही जारी है कि पहाड़ की आवाज उठाना और आप लोगों तक पहुंचाना। देखते रहिएगा वॉइस ऑफ माउंटेन। जय भारत, जय उत्तराखंड। ताऊ जी नवी घंटी उत्तराखंड। आप दिखना चाहो हमारे साथ, पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर दिखाना को हम प्रतिबद्ध छो। ये का वास्ता आपका सहयोग बहुत जरूरी छ। आप हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन थे सब्सक्राइब करा और बेल आइकन थे प्रेस करा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप थे मिली रहा। आप हमारे वेबसाइट www.voiceofmountain.com थे पर हमसे जुड़ा रहा। आप अपना ध्यान रखा। जय उत्तराखंड।